आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैव टू हैश टू का प्रयोग। हैव टू और हैश टू का प्रयोग करते हैं जब कोई नेसेसिटी होती है। नेसेसिटी का मतलब है ज़रूरत या किसी प्रकार की ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब है जिम्मेदारी। कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब है मजबूरी। देखते हैं हैव टू। यहाँ पर कुछ हिंदी में सेंटेंसेस दिए गए हैं। मुझे काम ख़त्म करना है, हमें काम ख़त्म करना है, तुम्हें काम ख़त्म करना है, उन्हें काम ख़त्म करना है, लड़कों को काम ख़त्म करना है। यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट क्या हैं। इन सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे पहला सब्जेक्ट, पहला सेंटेंस है मुझे, दूसरा सेंटेंस है हमें काम ख़त्म करना है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमें, तीसरा है तुम्हें काम ख़त्म करना है, इसमें है तुम्हें, और नेक्स्ट में है उन्हें काम ख़त्म करना है, इसमें सब्जेक्ट है उन्हें, लड़कों को काम ख़त्म करना है, इसमें सब्जेक्ट है लड़कों को। अब हम यहाँ पर देखेंगे मुझे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई, हमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं वी, तुम्हें इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू, उन्हें दे, लड़कों को लड़कों, ये प्लूरल है बॉयज़। तो जब हम ये देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई वी यू दे बॉयज़, इनके साथ में हैव टू का यूज़ होगा, हैव टू का। नेक्स्ट देखते हैं हैश टू का प्रयोग किसके साथ में होगा। यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, उसे काम ख़त्म करना है, उसे लड़के के लिए, उसे काम ख़त्म करना है, यहाँ लड़की के लिए, तो इसका सब्जेक्ट हो गया उसे लड़का, इसको हम बोलेंगे ही। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है सी, तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है राधिका, राधिका ये किसी का नाम है सिंगुलर। चौथे में लड़के को काम ख़त्म करना है बॉय, ये भी क्या हो गया सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में, सी के साथ में, ही के साथ में हैश टू का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर हैव टू के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस बना के देखते हैं। आई हैव टू फिनिश द वर्क। सबसे पहले आपने क्या लगाया, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद आपने वर्ब लगाई फिनिश और ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यू हैव टू फिनिश द वर्क, दे हैव टू फिनिश द वर्क, बॉयज हैव टू फिनिश द वर्क, आई हैव टू फिनिश द वर्क, मुझे काम ख़त्म करना है, तुम्हें काम ख़त्म करना है, उन्हें काम ख़त्म करना है, लड़कों को काम ख़त्म करना है। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम पढ़ेंगे हैश टू का प्रयोग कैसे करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस उसी तरीके से जैसे इसके पहले हम लोगों ने किया था, सब्जेक्ट प्लस हैश टू। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो इसके लिए हम हैश टू का प्रयोग करेंगे। हैश टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सी हैश टू फिनिश द वर्क। पहले स्लाइड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सी के साथ में हैश टू इस्तेमाल होता है। सी हैश टू फिनिश द वर्क, उसे काम ख़त्म करना है। ही हैश टू फिनिश द वर्क, उसे काम ख़त्म करना है। जैसे सी यहाँ पर क्या है, फैमिली जेंडर लड़की के लिए, ही मैस्कुलिन जेंडर लड़के के लिए। डेविड हैश टू फिनिश द वर्क, ये किसी का नाम है डेविड। बॉय हैश टू फिनिश द वर्क, बॉय ये सिंगुलर है, इसके पहले हमने स्लाइड में पढ़ा था सिंगुलर के लिए हैश टू का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की संरचना कैसी होगी। निगेटिव सेंटेंसेस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डू नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की संरचना देखते हैं, आई डू नॉट हैव टू फिनिश द वर्क, मुझे काम खत्म नहीं करना है। We do not have to finish the work, हमें काम ख़त्म नहीं करना है। They do not have to finish the work, उन्हें काम ख़त्म नहीं करना है। Boys do not have to finish the work, बहुत सिंपल है अगर आप सेंटेंस की संरचना को देखेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट में हम देखते हैं इस स्लाइड में हैज़ टू, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सी डज नॉट हैज़ टू फिनिश द वर्क, ही डज नॉट हैज़ टू फिनिश द वर्क, डेविड डज नॉट हैज़ टू फिनिश द वर्क, नेक्स्ट बॉय डज नॉट हैज़ टू फिनिश द वर्क। सी डज नॉट, उसे काम खत्म नहीं करना है। सी लड़की के लिए है। ही डज नॉट हैज़ टू फिनिश द वर्क, ही लड़के के लिए है। डेविड ये किसी का नाम है, बॉय ये सिंगुलर है। नेक्स्ट ये हम देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल और एक डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का मतलब होता है जब हम डब्ल्यू एच फैमिली के साथ लगा करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डू के साथ में। अगर हम किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना है। डू वी हैव टू गो, क्या हमें जाना है। डू दे हैव टू गो, क्या उन्हें जाना है। डू बॉयज हैव टू गो, क्या लड़कों को जाना है। अब इसको हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। व्हाई डू आई हैव टू गो, मुझे क्यों जाना है। व्हाई डू वी हैव टू गो, हमें क्यों जाना है। व्हाई डू दे हैव टू गो, उन्हें क्यों जाना है। व्हाई डू बॉयज हैव टू गो। तो ये आपका था हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हैश टू के साथ में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। यहाँ पर भी देखते हैं सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव सेम डज हम पहले लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज है। ये सिंगुलर फॉर्म है यहाँ सब्जेक्ट के। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैश टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डज सी हैश टू गो, क्या उसे जाना है। Does he has to go? क्या उसे जाना है। She for girls and he for boys. Does David has to go? क्या David को जाना है। Does boy has to go? क्या लड़के को जाना है। इसी तरीके से Why does she has to go? Why? यहाँ पर देखिए WH family plus does plus subject plus has to plus verb plus object. Why does she has to go? उसे क्यों जाना है। Why does he has to go? उसे क्यों जाना है? She for girl and he for boy. Okay, very good. Why does David has to go? David को क्यों जाना है? Why does boy has to go? लड़के को क्यों जाना है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा has to और have to का प्रयोग करना, affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Please keep watching and please subscribe और share करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी confusion है तो आप comment box में जा करके अपना question लिख सकते हैं और आपको उसका answer मिलेगा। Thank you.